हम दो हमारे बारह, हम दो हमारे बारह कते। बोले हिंदुस्तान की 150 करोड़ की पॉपुलेशन में मुसलमान 20-25 करोड़ है, वो 120 करोड़ के 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 नहीं दिख रहे, 20 करोड़ मुसलमानों के 12 दिख के आ रहे। बोले हम दो हमारे 12, कुरान की आयतों को जो है उसका गलत तर्जुमा किया जा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट गलत बताया जा रहा है, अहादीस नबविया को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। अरे जब काम जो है जमीनी लेवल पे नहीं हुआ तो फिल्मों के जरिए इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। ये तुम्हारे 12 से इनको कुछ मसला नहीं है, ये तुम्हारे 12 के कंधों पर हथियार रखकर इस्लाम पर निशाना साध रहे। खुदा की इज्जत की कसम है, ये इस्लाम जो है फिल्मों के जरिए आप इस्लाम को नहीं रोक सकते। तुम हम दो हमारे 12 ऐसी हजारों पिक्चरें निकाल लीजिए, मुसलमानों के सजदों से ये मस्जिदें कल भी कायम थी, आज भी कायम है, क़यामत तक कायम रहेगी। और वो औरतों की सिंपथी लेना चाह रहे, ये 10 साल के अंदर 7 फिल्में ऐसे बन गए, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, औरतों को ये बताया जा रहा कि तुम इस्लाम में मजबूर हो, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा। अरे अकल के अंधो, अगर औरतों की उतनी बड़ी फिक्र है तो बोलो देवदासी प्रथा पे, बोलो बाल विवाह पे, बोलो वहां क्यों मुंह नहीं खुलता। मुल्क में बच्चियों के साथ जो है रेप्स हो रहे हैं, कातिलों को पकड़ो, वहां क्यों नहीं बोलते, कैसा माहौल चल रहा है। इस्लाम ने औरतों को बुलंद मकाम अता फरमाया है। हर मजहब के अंदर औरत की इज्जत लाजिम है, लेकिन इस्लाम ने औरत को इज्जत का वो मर्तबा अता फरमाया है जो किसी और मजहब ने नहीं दिया है। हर मजहब ने औरत की कदर बताई है। इस्लाम ने क्या कहा, जन्नत को तलाश करने वाले, जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे मिल सकती है, माँ के कदमों में जन्नत मिल सकती है। इस्लाम ने क्या कहा, बेटी को पालो, बेटी को पढ़ाओ, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह जन्नत अता। ये तो ये प्रोपेगेंडा है, साजिश है। ये हम दो हमारे 12, ये तमाम चीजें इस्लाम को बदनाम करने के लिए आ रही है। ऐसी चीजों का मुकम्मल बाइकॉट करे। और मैं अर्ज करना चाहता हूं, बस आखिरी लम्हा मेरी तकरीर का है, वो पिक्चर के अंदर जो उसके ट्रेलर के अंदर एक मौलाना ठहर के बयान कर रहा, उसके पीछे बैनर सुन्नी दावत इस्लामी का लगा हुआ है, सुन्नी दावत इस्लामी तहरीक का लगा हुआ है। मैं बताना आपको यह चाहता हूं कि यह मत सोचिए सुन्नी दावत इस्लामी का नाम लगा हुआ है उन लोगों रोकना, उन लोगों कंप्लेंट करना। देखो आज उनका नाम लिखे, कल तुम्हारा नाम लिखते, आज उनको टारगेट करे, कल तुम्हारा टारगेट करते। इनका मकसद सुन्नी वहाबी देवबंदी अहले हदीस शिया नहीं, इनका मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को सताना है। तो ये बदबख्तों को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, इनकी ऐसी फिल्मों का बाइकॉट करो। और याद रहे, जो भी करना है कानून के दायरे में करो, कानून के दायरे में करो। ये साजिशें रच रहे हैं, इनकी साजिशें अल्लाह नाकाम करेगा, इनकी साजिशें अल्लाह 10 साल से नाकाम कर रहा है तकरीबन, फिल्मों के जरिए जो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये भी साजिश इनकी नाकाम हो जाएगी।